दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से बहुत सारी अपडेट्स, ढेरों ब्रेकिंग खबरें बाहर निकल के आई हैं जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, सब आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, बात करेंगे डिटेल में सभी अपडेट्स की। वहीं आईपीएल साल 2021 के सीज़न को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट्स आ चुकी है। दोस्तों, बीसीसीआई के यहां पर कन्फर्म कर चुका है कि 19 सितंबर वाली जो विंडो है, 19 सितंबर से 15 अक्टूबर ये कन्फर्म है। वहीं आज हम बात करेंगे टीम केकेआर की, बताऊँगा आपको टॉप खबरें, टॉप अपडेट्स, जो क्या खास बात है इन अपडेट्स के चलते केकेआर के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही शानदार फैंटेसी ऐप माई 11 सर्कल के बारे में बताना चाहूँगा। इसके अंदर आप बड़े बड़े चैंपियंस के साथ हेड टू हेड कर सकते हो, अपनी बेस्ट फैंटेसी टीम बनानी है। और हाल ही के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट लीग चल रही है जिसके अंदर आप काफ़ी आसान तरीके से काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हो। अभी माई 11 सर्कल दे रहा है आपको फ्री में 1500 रुपये, साथ ही हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए 20% एक्स्ट्रा कैश। आप स्क्रीन पर काफ़ी सारे विनर्स देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सेफ है। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दी हुई है, 20% एक्स्ट्रा कैश के लिए भी डाउनलोड करें माई 11 सर्कल। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्शियल खबरें रोजाना बाहर निकल के आ रही है, बट अब जो मामला धीरे धीरे गर्म हुआ था, अब वो आग पकड़ चुका है। बताऊंगा आपको टॉप खबरें, सारा मामला आज मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आने वाली वीडियो आप किन टॉपिक्स के ऊपर देखना चाहोगे। दोस्तों, टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है केकेआर की कंट्रोवर्सी को लेकर। दोस्तों, रिसेंटली आप सभी जानते होंगे कि आयन मॉर्गन और जॉस बटलर एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए। पुराने ट्विटर ट्वीट्स जहाँ पर उन्होंने भारतीयों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, मजाक उड़ाया था, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे जाति हो, चाहे कुछ भी हो। इसके बाद दोस्तों, अब आपको बता दें कि केकेआर ऑफिशियल्स ने सीधे सीधे बात कह दी है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो उनका ऑफिशियल बोर्ड है वो कुछ एक्शन लेता है और उनको बैन करता है, तो हम भी इनको बीसीसीआई से मांग करेंगे कि ये आईपीएल के अंदर इनको बैन किया जाए। वहीं केकेआर ने ये भी कहा है कि अगर बीसीसीआई इनको बैन नहीं करता है तो एज अ यूनिटी केकेआर मैनेजमेंट ये मेक श्योर करेगा कि अगले जो भी आईपीएल होंगे उसके अंदर जो ये दोनों प्लेयर्स हैं ये केकेआर की जर्सी में कभी भी ना खेलें। तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि केकेआर की ये जो जीरो टॉलरेंस वाली रणनीति है, क्या इनको अपनानी चाहिए, क्या दोनों को बैन कर देना चाहिए। दूसरी अपडेट आ रही है ब्रेंडन मैकुलम की तरफ से। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जॉस बटलर और आयन मॉर्गन के ऊपर ही यहाँ पर मुसीबत नहीं लटक रही है, तलवार जो लटक रही है वो केकेआर के कोच ब्रेंडन मैकुलम के ऊपर भी लटक रही है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे साल 2016 साल 2017 का ये ट्वीट। दोस्तों, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेइज्जती की है, टीम केकेआर के तो कोच हो चुके हैं ये, इन्होंने काफ़ी बेइज्जती भारतीयों की है और इसके चलते इनको भी हाथ धोना पड़ सकता है आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट से और केकेआर की टीम से। आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि क्या एक्शन लेना चाहिए इनके अगेंस्ट, इनके ट्वीट्स के अगेंस्ट। तीसरी अपडेट आ रही है फारूक इंजीनियर को लेकर। दोस्तों, आप सुनिए सबसे पहले इन्होंने क्या कहा। पहले अंग्रेज हमारा मजाक उड़ाते थे, हमारे कलर के ऊपर मजाक उड़ाते थे, हमारी जाति के ऊपर मजाक उड़ाते थे, हमसे हाथ तक नहीं मिलाते थे, कभी काला, कभी क्या, कभी पूर इंग्लिश कहते थे। इसके बाद इनको जैसे ही आईपीएल के अंदर करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे, अपने जो नेशनल देश हैं यानी जिन बोर्ड से ये खेलते हैं वहाँ से ज़्यादा पैसे मिलने लगे, तो अब ये हमारी चाटने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड फारूक इंजीनियर ने बोला है। अब इन्होंने ये कहा है कि बीसीसीआई को इनको बैन कर देना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे खिलाड़ियों को खिलाने की जो यहाँ भारतीयों की यहाँ पर बेइज्जती करें। इसके अलावा केकेआर की टीम को तो आयन मॉर्गन और ब्रेंडन मैकुलम को बाहर कर ही देना चाहिए। दोस्तों, आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि क्या आप फारूक इंजीनियर साहब की इस बात से सहमत हो या फिर साथ नहीं? ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के लिंक से अभी डाउनलोड करें माई 11 सर्कल। तो ये थी टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।